आज हम लोग धूमिल के विषय में बात करेंगे। जैसे हिंदी साहित्य के शाठोत्तरी कविता के शलाका पुरुष माने जाने वाले स्वर्गीय सुदामा पांडेय धूमिल, इनका परिचय के विषय में आज हम लोग बात करते हैं और कुछ बातें इसके काव्यगत परिचय के विषय में भी हो जाएंगी। जैसे कि उनके परिचय के विषय में यदि हम बात करें तो उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को बनारस के खेवली गांव में जन्मे सुदामा पांडेय की प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राथमिक पाठशाला में हुई। हरहुआ के कुर्मी क्षेत्रीय इंटर कॉलेज के सन 1953 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गए तो मगर यहाँ पर काट दिया ठीक ना। आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गए तो मगर अब अर्थाभाव के चलते उसे जारी न रह सके। पढ़ाई के लिए बनारस गए मगर पैसे के अभाव के चलते उसे जारी नहीं रख पाए। फिर क्या, आजीविका की तलाश में वे काशी से कलकत्ता तक भटकते रहे। नौकरी भी मिली तो नौकरी में तो लाभ कम था, मानसिक यंत्रणा उन पर ज्यादा भारी पड़ी। वर्षों का सिरदर्द अनंततः ब्रेन ट्यूमर बनकर मात्र 39 साल की वर्ष में अल्प आयु के वर्ष में उनकी मृत्यु का कारण बना। सबसे पहले रचना धूमिल ने कक्षा सात में पढ़ते हुए की। उनकी प्रारंभिक रचना गीत के रूप में मिलती है, जैसे कि बांसुरी जल गई, इनकी फुटकर एवं शुरुआती गीतों का संग्रह है जो आज उपलब्ध नहीं है। उनकी दो कहानियां हैं फिर भी वह जिंदा है और कुसुम दीदी, दो कहानी फिर भी वह जिंदा है और दो कुसुम दीदी। उनकी मृत्यु उपरांत 1984 में प्रकाशित हुई। वैसे तो उनकी अक्षय कृति की आधार बना संसद से सड़क तक नामक कविता संग्रह जो सन 1971 में प्रकाश में आया। जैसे कि भय, भूख, अकाल, अक्रमण्यता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित करती आक्रामकता से भरपूर इस संग्रह की सभी कविताएं अपने में बेजोड़ता को दर्शाती है। 25 कविताओं के इस संग्रह में लगभग सभी रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य का भी गहराई को भी दर्शाती है। इस संदर्भ में कवि की समूची राजनैतिक समझ प्रखरता से उभरती है, क्योंकि उनकी कविताओं में देहात के लोग, शहर के लोग, कर्म और असामाजिकता, अहिंसा, कूटनीति, ईमानदारी, बेईमानी आदि कई परिपेक्ष अपने जिजीविषा फिर निराशा आदि को दर्शाने का प्रयास, सभी मानव जीवन के सभ्य सभ्य अंगों का चित्रण करने का प्रयास उन्होंने किया। इन कविताओं को पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है कि मानो कवि हाथ पकड़ कर कह रहा है कि लो, यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह पीछे जुलूस गिरा पड़ा था। जैसे कि हम बात करते हैं सांसद से सड़क पर, ये जो है अपनी परिप्रेक्ष्यता को आधुनिकता को दर्शाते हुए, आज के दौर को दर्शाते हुए ये बहुत ही चरितार्थ। जैसा कि अकाल, धूमिल की कविता है अकाल दर्शन में, शीर्षक कविता में पूछता है कि भूख कौन उपजाता है, भूख कौन उपजाता है। चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहाशा बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि उस कविता के मार्फत उन लोगों को तलाशता है जो देश में, जंगल में भेड़िए की तरह लोगों को खा रहे हैं और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हैं। एक दूसरे की जोरदार कविता मित्र कवि राज कमल चौधरी के लिए लिख देश के नग्न यथार्थ प्रस्तुत किया है। धूमिल ने राजकमल के हिम्मत के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त की है और करते हुए लिखा है कि वह एक ऐसा आदमी था जिसका मरणा कविता से बाहर नहीं है।
इस कृति का सर्वाधिक चर्चित एवं अवसरदार रचना मोचीराम है। इस कविता को धूमिल की प्रतिनिधि कविता माना जाता है। जन पक्षधरता के हिमायती कवि ने प्रतीक एवं बिंबों के माध्यम से जन जन को जोड़ा है। जैसे कि मेरे निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, इस तरह की मोजीराम के भीतर एक सजग समाज वेत्ता बैठा हुआ है, जो महसूस करता है कि जीने के पीछे सार्थकता, उद्देश्य व तर्क ही होना चाहिए। वह जिंदगी को किताबों के नापने के कायल नहीं होना चाहिए। भाषा की रात भी इन्हीं संग्रह की एक प्रखर कविता है। जैसे इसमें कवि ने उन चतुर लोगों को अपना निशाना बनाता है जो तलवार को कलम के रूप में इस्तेमाल करता है। इनकी उदारता में अश्वरवाद की गंध है। इसी बहाने वे पूर्व दक्षिण में भाषाई स्तर पर पड़ी दरार को भी उद्घाटित करते हैं। चंद चालाक लोगों ने जैसे कि बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया, इस तरह की रखते हैं। धूमिल की अधिकांश कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर मिल जाते हैं, जैसे जंगल, भूख, विदेश मुद्रा, अमीन, लाल हरी झंडियां, फाइलें, विज्ञापन, वारनट आदि। ये तो सीधे तौर पर कवि के राजनीतिक सामाजिक विमर्श की ओर संकेत करता है। धूमिल ने अपने परिवेश और जटिल परिस्थितियों के प्रति अत्यंत सक्रिय है। वे कविता के शाश्वत मूल्यों को तलाश करते हैं। वे भाषा, मुहावरों, उक्तियों की सीमाओं को टकराते नजर आते हैं आदि, ताकि कुछ नया दे सके, अपने कविता के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचा सके। इस दृष्टि से वे महत्वपूर्ण है कि अपने दौर में कविता की भीड़ को निकाल कर जनतांत्रिक बनाने का प्रयास किया है और बना भी दिया, उसका रूख ही बदल दिया। जैसा कि जनतंत्र का सूर्योदय, मुनासिब कार्यवाही, बारिश में भीग कर और सर्वाधिक लंबी कविता पटकथा की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धूमिल की भाषा की यदि हम बात करें तो धूमिल की भाषा, उन्होंने संबोधात्मक प्रयोग भी उन्होंने तमाम समकालीन मुलमेदार एवं पांडित्य प्रदर्शन प्रिय कवियों से अलग एवं विशिष्ट पहचान देता है। उनकी कविता में नए विधान नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर में मिलती है। इस दृष्टि से उनकी काव्य भाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य भी अपने परवर्ती कवियों से पृथक है। वे अपनी प्रकृति और प्रस्तुति में अद्भुत हैं। धूप माँ की गोद से गर्म थी कहकर कवि माँ की महिमा को सिर माथे स्वीकारता है। छंद विधान की दृष्टि से उनकी लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकती हुई है। कविता की एक रस्ता और लंबाई तोड़ने के उद्देश्य से वे पंक्तियों को बड़ा छोटा करते हैं। जैसे कि तुर्कों द्वारा तालमेल और लय स्थापित करते हैं, तुर्कों द्वारा तालमेल एवं लय स्थापित करते हैं। हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले इस जन कवि का योगदान चिर स्मरणीय है और रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब